देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिनभर की। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बन सकते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बुलाए गए। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। खबर है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में आजमगढ़ मऊ दौरा छोड़कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, मुफ्तवादों पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में उपहार देने की परंपरा जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए और पूछा कि केंद्र इस पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाता। एक बकाया कर्ज ने अडानी को NDTV के जबरन अधिग्रहण का मौका दिया। 24 अगस्त अडानी समूह द्वारा 34 साल पुराने मीडिया संस्थान NDTV के अधिग्रहण से गौतम अडानी को मीडिया कारोबार के वैश्विक दिग्गजों की सूची में शामिल होने से मदद मिलेगी। अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस अधिग्रहण के पीछे एक बकाया कर्ज है जो न्यू दिल्ली टेलीविज़न NDTV के संस्थापक प्रणय और राधिका रॉय ने 2009-10 में अरबपति मुकेश अंबानी से जुड़ी कंपनी से लिया था। शाह के दौरे के बाद गरमाई सियासत, गृह मंत्री ने चौहान और संघ नेताओं से चर्चा कर टटोली सियासी नब्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। शाह ने जहां राजधानी में सीएम चौहान से लेकर संघ के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोली। पार्वती नदी पर बने रेलवे पुल को वर्षा से भारी नुकसान, कुछ दिन और बंद रहेगा गुना मक्सी रेल मार्ग। गुना मक्सी रेलखंड पर रेल आवागमन बहाल होने में अभी 4 से 5 दिन और लगेंगे। इस मार्ग पर बने पार्वती नदी का पुल बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम, किसानों को दिया मुआवजे देने का भरोसा, बोले सरकार आपके साथ। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज औचक निरीक्षण पर विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में लगातार हो रही अति भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का अपडेट लिया। साथ ही प्रदेश की जनता को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। करुण गला मंडी स्थित एक आटा मिल में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। MP की राजधानी भोपाल से एक बड़ी घटना की जानकारी सामने आई है। खबर आई है कि भोपाल में आज सुबह करुण गला मंडी स्थित एक आटा मिल में बुधवार सुबह आग लग गई। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र में हिंदी में शुरू होगी MBBS की पढ़ाई। शिवराज, एजुकेशन समिट 2022 में हुए वर्चुअली शामिल, मुख्यमंत्री कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई शिक्षा नीति का उपहार देकर की दूरदर्शी पहल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 2022-23 के सत्र से MBBS प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी मीडियम से आरम्भ की जा रही है। कांग्रेस यूट्यूब अकाउंट, कांग्रेस का आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट डिलीट, पार्टी ने दिया ये बड़ा बयान। कांग्रेस का यूट्यूब अकाउंट बुधवार दोपहर 3 बजे डिलीट हो गया। यूट्यूब पर कांग्रेस के करीब 20 लाख सब्सक्राइबर थे। ट्रांसजेंडर को बड़ी सौगात, केंद्र ने आयुष्मान योजना में शामिल किया, ऐसे बनेगा कार्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए नियम में कई बदलाव किए गए हैं। जयवीर शेरगिल ने छोड़ी कांग्रेस, पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। CNG गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। CNG गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसका फायदा आपको कैसे होगा, हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल BS6 कारों में CNG के साथ साथ LPG किट के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति दी है। तार अंसारी पर मुसीबतों का पहाड़, करीबी हाजी मुख्तार का करोड़ों का कॉम्प्लेक्स कुर्क, डुगडुगी बजावा कर दी सूचना। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार के करीबी का करोड़ों का कॉम्प्लेक्स कुर्क किया गया। शहर कोतवाली के जहांगीराबाद स्थित फातिमा कॉम्प्लेक्स को मंगलवार को प्रशासन ने कुर्क किया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर VP चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला।
अरविंद केजरीवाल का दावा, मनीष सिसोदिया को 2-3 दिनों में गिरफ्तार करेगी सीबीआई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि सीबीआई अगले कुछ दिनों में उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने की बात, अतिवृष्टि से चौपट हुई फसलों को मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अतिवृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। पीएम मोदी 2 सितंबर को नौसेना को सौंपेंगे आईएससी विक्रांत, इन खूबियों से दुश्मनों के छुड़ाएंगे छक्के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएससी विक्रांत नौसेना को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल के अंदर एक विशेष व्यवस्थित जगह पर भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर पोत को शामिल करेंगे, जिसने 20,000 करोड़ रुपये में युद्ध पोत का निर्माण किया है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम शिवराज ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, पीएम मोदी से की फोन पर चर्चा। वेदर सिस्टम के कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश में लगातार बारिश का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन लगातार 2-3 दिनों तक हुई बारिश के चलते प्रदेश में कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। देश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 5 मरे, 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण आई बाढ़ में फंसे 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यहां नर्मदा, बेतवा, सोन, ताप्ती और अन्य उफान पर थे। मध्य प्रदेश में अभी भारी बारिश के आसार नहीं, राजस्थान पहुंचा गहरा कम दबाव का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक प्रदेश के अधिकतर जिले वर्षा से तरबतर होते रहे। इस दौरान भोपाल, राजगढ़, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रतलाम, रायसेन जिलों में भारी बारिश होने से अफरा तफरी मची रही। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेल्थी क्रिएशन पता, न्यू मार्केट भोपाल, सलूजा ट्रेडर्स पता, हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला, कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल, कौशल्या मेडिकल स्टोर्स पता, डॉक्टर जोहर के पास आमला, पलक इलेक्ट्रॉनिक्स पता, स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल। बिहार में बीजेपी की भूमिहारों को साधने की कोशिश, विजय सिन्हा बने विधानसभा में नेता विपक्ष। बिहार में विजय कुमार सिन्हा को नेता विपक्ष बनाया गया है। बुधवार को उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है। बिहार में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा को नेता विपक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इस नाम पर बन गई सहमति, सूत्रों का दावा, सोनिया गांधी ने लिया चौंकाने वाला फैसला। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी की मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है। लंबे समय बाद कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से हो सकता है। हैवी रेन इन एमपी, आफत की बारिश में देवदूत बनकर आई वायुसेना, 31 लोगों को किया एयरलिफ्ट। मध्य प्रदेश में इन दोनों बाढ़ का कहर है। वहीं विदिशा जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। सीएम शिवराज ने जिले के बाढ़ पीड़ित इलाकों का सर्वे किया। वहीं वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने विदिशा जिले पहुंचे थे। माकपा विधायक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, फेसबुक पर आजाद कश्मीर को लेकर किया था पोस्ट। केरल के पूर्व मंत्री व राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन के विधायक केटी जलील के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पठान मथिट्टा के उनके खिलाफ राष्ट्रीय एकता के खिलाफ दावे को लेकर मामला दर्ज हुआ है। रिटायरमेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को मिलेगी सुविधाएं। केंद्र सरकार ने बदले नियम। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत के चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद 6 महीने तक बिना किराए के घर की सुविधा मिलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद 1 साल तक 24 घंटे सुरक्षा मिलेगी। बच्चों को फैलने वाले टोमेटो फ्लू पर केंद्र सरकार अलर्ट, कई राज्यों में मामले से तेजी से बड़े, गाइडलाइन जारी। केरल के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी टोमेटो फ्लू के केस सामने आए। जानकारी के अनुसार अब तक 82 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें बच्चे भी टोमेटो फ्लू के शिकार हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।